नाज़रीन, ज़लीन सिल्वाक के बॉर्डर पर एक छोटा सा टाउन है। ये शहर शू कंपनी के मालिक थॉमस बाटा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बाटा को जीक लोग बाचा कहते हैं, लेकिन ये लिखा बाना ही जाता है। 1880 में ये महज एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मोचियों के चंद घर थे। ये लोग जूते बनाते थे और इससे रोजी रोटी कमाते थे। थॉमस बाटा मोचियों का बेटा था। ये बचपन से जरा मुख्तलिफ बच्चा था। ये देख रहा था इसका खानदान 400 साल से जूते बना रहा है और जूते साजी के इस पेशे में इसकी दर्जनों नस्लें खत्म हो गईं। थॉमस बाटा ने फैसला किया ये महज मोची बनकर जिंदगी नहीं गुजारेगा। चुनाचे इसने अपनी बहन आना और भाई एंथनी के साथ मिलकर 1894 में बाटा नाम से एक छोटी सी कंपनी बनाई। इस दौर में ज़लीन एक इंतहाई पसमांदा गांव था। तमाम गलियां कच्ची थीं और इस गांव तक ट्रेन की पटरी भी नहीं बिछी थी। लेकिन इसके बावजूद थॉमस डट गया और इसने बाटा शू फैक्ट्री की बुनियाद रख दी। इसकी फैक्ट्री में शुरू में महज 10 लोग काम करते थे, लेकिन फिर इन 10 लोगों को 100 होते देर न लगी। बाटा रिवायती जुत्साजी की बजाय मशीनों पर शिफ्ट होता चला गया और यूं बाटा कंपनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती चली गई। हमारे इस चैनल इन्फो राइडर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, बाटा एक विजनरी शख्स था। इसने महसूस किया चमड़े से जूते बनाना मुश्किल भी है और ये जूते सख्त और भारी भी होते हैं। चुनाचे उसने 1896 में पहला कैनवस शूज बनाया। ये जूते साजी में इनकलाब था। कैनवस शूज हल्का भी था, देर पा भी था और सस्ता भी था। इस वक्त इसकी फैक्ट्री में 120 लोग थे और इसने ज़लीन में अपना शोरूम भी बना लिया था। 1899 में ज़लीन में रेल की पटरी बिछ गई और ये गांव बड़े शहरों के साथ मुंसलिक हो गया। बाटा ने अपनी फैक्ट्री रेलवे लाइन के करीब शिफ्ट कर ली और धड़ाधड़ जूते बनाने लगा। इसने 1900 में भाप के प्रेशर से चलने वाली पहली मशीन लगाई और जूते साजी की सनत जदीद दौर में दाखिल हो गई। थॉमस बाटा ने 1903 में पहली वर्कशॉप बनाई और इस वर्कशॉप ने जूतों की नई नई मशीनें भी बनाना शुरू कर दी। यूं ये जूते साजी की नई नई मशीनों का बानी भी बन गया। 1903 और 1904 में इसने सफर भी शुरू कर दिए। ये जर्मनी गया और फिर अमेरिका गया। इसने जर्मनी और अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों के दौरे किए और इनके निज़ामों का मुतालिया किया। इसने फोर्ड मोटर कंपनी का दौरा किया और हेनरी फोर्ड से हजारों वर्कर्स को हैंडल करना सीखा। ये अमेरिका से वापस आया तो ये समझ चुका था, अगर मैंने बाटा कंपनी को बैनुल अक्वामी ब्रांड बनाना है तो फिर मुझे ज़लीन को बदलना होगा। मैं अपने वर्कर्स को गांव के कल्चर में रखकर बाटा को इंटरनेशनल शक्ल नहीं दे सकता। थॉमस ने वापस आकर पूरे ज़लीन को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। इसने गांव में सड़कें बनाई, स्कूल खोला, गांव में छोटे कर्जे देने वाला बैंक बनाया, फार्म हाउस बनाए, गांव में टेलीफोन लगवाया और तमाम घरों को टेलीफोन के साथ मुंसलिक किया। इसने गांव के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी शुरू कर दिया। पूरे गांव और फैक्ट्री के लिए ग्रिड स्टेशन बनाया और फैक्ट्रियों के तमाम वर्करों के लिए घर भी बनाए। बाटा ने गांव में सिनेमा भी बनाया जिसमें गांव के लोगों को हफ्ते में 2 फिल्में दिखाई जाती थीं। बाटा ने पूरे ज़लीन की शक्ल ही बदल कर रख दी थी। बाटा कंपनी 1914 तक 400 मुलाजमीन के साथ इलाके की सबसे बड़ी फर्म बन चुकी थी। 1914 में पहली जंगे अजीम शुरू हुई और ये जंग बाटा कंपनी के लिए तरक्की का पैगाम लेकर शुरू हुई। बाटा ने 1910 में पहला फौजी बूट बनाया था। ये बूट जवानों के लिए मार्च के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। जंग शुरू हुई तो ऑस्ट्रिया की हकूमत ने बाटा को फौज के लिए 50,000 बूट बनाने का आर्डर दे दिया। बाटा ने ये आर्डर पूरा करने के लिए अपनी टेनरीज बनाई, फैक्ट्रियों की तादाद में इजाफा किया और इसके मुलाजमीन 4,000 तक पहुंच गए। ये रोज़ाना 6,000 जूते बनाने लगा। इसके जूते खसूसी ट्रेनों पर मुख्तलिफ फौजी यूनिटों में पहुंचने लगे और यूं ये देखते ही देखते यूरोप का सबसे बड़ा शू मेकर बन गया। नाज़रीन, बाटा ने 1917 में
चेक और स्लोवाकिया में अपनी 18 शॉप्स खोली और ये आम लोगों को भी बड़े पैमाने पर जूते फराहम करने लगा। 1918 में जंग खत्म हो गई। जंग का खात्मा बाटा के लिए मुआशी बहरान लेकर आया। बाटा फौज के लिए रोजाना 6,000 जूते बना रहा था, ये सप्लाई अचानक बंद हो गई। नाज़रीन, उस वक्त तक उसकी फैक्ट्री में 6,000 मुलाजम थे, बाटा के लिए इन सब को तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया। इसने इसका हल आम खरीदार की शक्ल में निकाला। बाटा ने अपने जूतों की कीमत में 40% कमी कर दी और यूरोप भर में धड़ाधड़ दुकानें खोलना शुरू कर दी। ये बाटा की पहली सेल थी। सेल का ये सिलसिला आज तक जारी है। तो बाटा कंपनी दुनिया भर में साल में एक या दो बार सेल लगाती है। सेल की इस रिवायत का आगाज 1921 में हुआ था। दूसरी जंगे अजीम तक बाटा कंपनी जलीन में 64 फैक्ट्रियां लगा चुकी थी। इसने जलीन से 10 किलोमीटर दूर जहाज सांस फैक्ट्री भी लगाई थी, जिसमें कुछ नशिस्तों के छोटे जहाज बनते थे। थॉमस बाटा 12 जुलाई 1932 में हवाई जहाज के हादसे में इंतकाल कर गया, लेकिन मरने से पहले ये जलीन की तमाम सड़कें पक्की कर चुका था। ये जलीन में शराय खानगी 100% कर चुका था। ये पूरे शहर को बिजली, पानी और टेलीफोन की सहूलत दे रहा था और इस शख्स में हर शख्स बरसरे रोजगार भी था। बाना ने शहर में 100 मंजिला इमारत भी बनवाई। ये यूरोप की सबसे बुलंद इमारत थी। ये इमारत आज तक कायम है और इस इमारत की बुलंदी से दूर तक शहर को देखा जा सकता है। नाज़रीन, थॉमस बाना के बाद इसके बेटे थॉमस बाटा जूनियर ने कंपनी की इनान संभाली और कंपनी की तोसी का काम जारी रखा। दूसरी जंगे अजीम के दौरान जलीन पर फिजाई हमला हुआ, फैक्ट्रियों पर बमबारी हुई, फैक्ट्रियां तबाह हो गईं और थॉमस बाटा जूनियर कनाडा शिफ्ट हो गया। इसने वहां बाटा की बुनियाद रखी, फैक्ट्री लगाई और बिजनेस दोबारा शुरू कर दिया। दूसरी जंगे अजीम के बाद बाटा खानदान एक बार फिर जलीन आया, तबाहल फैक्ट्रियां मरम्मत कराई और दोबारा काम शुरू कर दिया। ये लोग इस बार नए जज्बे के साथ वापस आए थे और अपने ब्रांड को इस कदर फैलाना चाहते थे कि इसके बाद कोई हिटलर उनकी फैक्ट्री तबाह ना कर सके। इन लोगों ने अपने ब्रांड को इंटरनेशनल करना शुरू कर दिया और जल्द ही वो इसमें कामयाब हो गए। 1970 तक बाटा खानदान दुनिया के 99 ममालिक में 98 कंपनियां बना चुका था। इसमें 90,000 मुलाजमीन थे और ये लोग जूतों के 2.5 करोड़ जोड़े सालाना बना रहे थे। नाज़रीन, दुनिया में इनके 5,000 शोरूम थे और यूं ये जूतों की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। इस दौरान बाटा कंपनी ने जलीन में थॉमस बाटा के नाम से यूनिवर्सिटी भी कायम की। आज भी जलीन एक खूबसूरत कस्बा है। ये प्राग से 400 किलोमीटर दूर है और ट्रेन के जरिए वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगते हैं। कस्बा इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरत है। बाटा कम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने है, लेकिन कंपनी और फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। बाटा फैली इख्तलाफात का शिकार हो गई थी। एक धड़ा मुस्तकिल तौर पर कनाडा शिफ्ट हो चुका है, दूसरे ने बर्सल्स को अपना मस्कन बना लिया है और अब शहर में बाटा फैमिली का कोई फर्द नहीं रहता। दुनिया भर में मौजूद बाटा कंपनी को खानदान के मुख्तलिफ लोगों ने आपस में तकसीम कर लिया है और ये लोग अब अलग अलग इसका निज़ाम चला रहे हैं। नाज़रीन, चीन अब पूरी दुनिया को सस्ते जूते फ्राहम कर रहा है, जिसकी वजह से बाटा कंपनी बंद हो रही है। बाटा कम्प्लेक्स पर ताले पड़े हैं और इमारतें आहिस्ता आहिस्ता ढह रही हैं। वहां जाकर मालूम होता है कि जिस कंपनी को 2 आलमी जंगें और दुनिया के 4 बड़े मालियाती बहरान नहीं मार सके, इसे चीन का मुआशी अजदहा एक झटके में निगल चुका है और अब जलीन में सिर्फ बाटा का नाम बचा है। हाँ, अलबत्ता कंपनी की बगल में जूतों का एक अजायब घर जरूर मौजूद है। इस अजायब घर में बाटा की बनाई हुई मशीनें भी मौजूद हैं और 1894 से लेकर 2008 तक बाटा के मुख्तलिफ जूते के नमूने भी हैं। नाज़रीन, बाटा ने आज तक 5,000 डिज़ाइन बनाए हैं। दुनिया का पहला फौजी बूट, पहला स्पोर्ट्स शूज़, पहला कैनवस शूज़, पहला स्कूल शूज़ और ख़वातीन के लिए पहले कमर्शियल सैंडल्स भी बाटा ने बनाए थे। अजायब घर में 500-600 साल पुराने जूते भी हैं। एक शोकेस में पाकिस्तानी खुसे भी मौजूद हैं।
ये जूते इन्हें किसी ने भारत से भिजवाए थे। अजायब घर के दरवाजे पर थॉमस बाटा का बुत बना हुआ है। बाटा कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन थॉमस बाटा का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ ताजर या सनतकार नहीं था, ये इंसानियत का मोहसन भी था, और इंसानियत के मोहसन कभी नहीं मरते। इस चैनल इन्फो राइडर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।